हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में जो है अपन जो है 10 चैप्टर पढ़ रहे थे, अपना चैप्टर 10। और ठीक है, और अपन ने जो है टॉपिक पढ़ा था, एक क्या भार व द्रव्यमान, और एक पढ़ा था भारहीनता। ठीक है, ये दो टॉपिक पढ़े थे। ये चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो चुका है, नई बुक में हो चाहे से पुरानी बुक में हो। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि नई बुक में तो सर प्रनोद दाब दे रखे हैं, आपेक्षिक घनत्व दे रखा है। बच्चों, वो टॉपिक अपन 9th वाले जो हैं उस क्लास में कर चुके हैं। 9th चैप्टर में दे पुरानी बुक में 9th चैप्टर में दे रखे हैं, और नई बुक में जो है कहाँ दे रखे हैं ये टॉपिक, 10th चैप्टर में दे रखे। तो इतना जो है वो नहीं लेना है। 9th वाले वीडियो देखो फटाफट से जाके, और 9th चैप्टर के जो वीडियो पढ़े थे अपन ने, नोट्स बनाए उसमें से आप इसको पढ़ सकते हो। आज अपन क्या करेंगे, कुछ दो चार क्वेश्चन करने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो देखो, बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड, क्वेश्चन दे रखा है, किसी पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो आपको पता है कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, u, और u का मान कितना दे दिया आपको, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और क्या दे रखा है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। g का मान आपको दे रखा है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है त्वरण का मात्रक ये होता है, वेग का मात्रक ये होता है। ठीक है, और इसमें आपको ज्ञात करना है, पहले तो आपको ज्ञात करना है कि अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है, पत्थर द्वारा उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, सॉरी समय ज्ञात करना है, और पत्थर द्वारा तय की गई दूरी या ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि तीनों समीकरण याद होने चाहिए आपको। सबसे पहले तो v बराबर u, अब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो आपको समीकरण कौन सी लेनी है, माइनस ले लेना है बच्चों, ध्यान रखना। और h = ut - ½ gt² ठीक है, और एक और क्या आती है, v² - u² = -2gh। ये अपन ने तीनों समीकरण पढ़ ली थी। जब ऊपर की तरफ वस्तु को फेंकेंगे तो इस तरीके से तीनों समीकरण जैसे मैंने लिखी है आपको लिख लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको एक तो समय ज्ञात करना है, और एक क्या ज्ञात करना है, ऊपर कितनी ऊंचाई तक वो जाती है। तो ये दो चीज़ें ज्ञात करनी है। अब आपके पास एक तो प्रारंभिक वेग दे रखा है, और ये किए दे रखा है, और आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिमाग में आना चाहिए कि जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो v = 0 होगा, v = 0। नीचे से ऊपर से जब नीचे फेंकेंगे, ऊपर से जब नीचे फेंकेंगे तो u प्रारंभिक वेग 0 होगा, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो v 0 होगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल सोचा करो चीज़ों को, कि अगर इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकूं तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, ये रुक जाएगा कहीं ना कहीं, जैसे मैं फेंक रहा हूँ इसको तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुक के वापस आना शुरू होगा, तो रुकेगा ना वो, इसका क्या है, अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, वेग 0 हो गया उसका, यानी कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, रुकेगा वो तो, रुकेगा तो वहाँ पे उसका अंतिम वेग 0 होगा। ठीक है, और ऊपर से नीचे गिराऊं मैं इसको, तो अभी मैंने इसको पकड़ रखा है, देखो हाथ में पकड़ रखा है, तो इसका प्रारंभिक वेग 0 है बच्चों, मैंने यहाँ पकड़ रखा है इसको, इसका मतलब क्या है, इसका प्रारंभिक वेग 0 है। तो ये ध्यान रखोगे आप, प्रैक्टिकल सोचा करो, फिजिक्स सही है। ठीक है, तो अब इसमें आपको समय ज्ञात करना है और एक दूरी ज्ञात करनी है। तो समय यहाँ से आ जाएगा, v 0 है ही, प्रारंभिक वेग दे रखा है, g का मान है ही। तो पहली समीकरण से अपन क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट से अपन क्या कर लेंगे, v = u - gt है, तो v का मान 0 है ही, u का मान 20 दे रखा है, माइनस g का मान 10 है, और t आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि तीन तीन चीज़ें मेरे पास थी, एक ज्ञात करना है, तो आप इस तरीके से समीकरण दिमाग में रखोगे कि मेरे को कौन सी समीकरण लगानी है। ये वाला पोर्शन जब मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, 10t = कितना हो जाएगा 20। तो t = कितना आ जाएगा, ये भाग में जाएगा तो 20/10 = क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। अब आपको दूसरी चीज़ क्या ज्ञात करनी है, अधिकतम ऊंचाई तक क्या है, अधिकतम ऊंचाई क्या क्या आ जाएगा वो। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए आप क्या करोगे, समीकरण नंबर या तो फर्स्ट लगा दो, ये लगा दो, या समीकरण नंबर ये लगा दो, तो अपन थर्ड समीकरण यूज़ में ले रहे हैं। तो v 0 है ही, तो ये 0 हो जाएगा, -20² = -2, और g का मान 10 है ही। ठीक है,
जी का मान 10 है और एच का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन क्या कर लेंगे, ये 0 हो गया तो माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400 बराबर माइनस का 20 और एच, ये भाग में माइनस से माइनस कट गया, ये भाग में आएगा तो एच बराबर कितना आ जाएगा 400/20, 0 से 0 कट गया और ये आ जाएगा 2 से काट लो इसको तो 20 मीटर आ जाएगा, तो ये ऊंचाई आ जाती है। इस तरीके से आपको जो है इनके सॉल्यूशन करने भाई, ठीक है, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम में, जो है आपको एज इट इज पूछे जाएंगे। अब क्या करना है, एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है देखो, यदि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का आधा हो जाए, यदि पृथ्वी का व्यास, क्वेश्चन दे रखा है, यदि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का आधा हो जाए तो द्रव्यमान 1/8 रह जाएगा। इस आधे आकार की पृथ्वी का, पृथ्वी पर जी का मान ज्ञात करो। छोटे जी का मान ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। और वो बोल रहा है कि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का आधा हो जाए, तो वर्तमान व्यास का आधा हो जाएगा इसका मतलब त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आर जो है, आर पृथ्वी की त्रिज्या अपन आर मान रहे थे, उसको यहाँ पे क्या लेना है, R/2, ठीक है। और द्रव्यमान 1/8 हो जाता है, पृथ्वी का द्रव्यमान अपन एम ले रहे थे, उसको उसकी जगह आप क्या लिखोगे, M/8, ठीक है। एम का 1/8 लेना है, ठीक है। तो अब जी ज्ञात करना है आपको, सिंपली फॉर्मूला आपको पता है कि जी बराबर क्या होता है, GM/R2। ये गुरुत्वीय त्वरण जो अपन ने पढ़ा था वो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, G/GM/R2 पढ़ा है ना बच्चों, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग में इजीली आती भी नहीं है कि ये चीज़ें आपको जो है क्या करना है। तो व्यास आधा कर दिया, इसका मतलब त्रिज्या भी आधी हो जाएगी ना भाई, गोला होता है उसका व्यास अगर आधा कर दिया तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। द्रव्यमान वो बोल रहा है कि 1/8 लेना है, तो एम द्रव्यमान अपन मान रहे थे पहले, पृथ्वी का द्रव्यमान एम मान रहे थे, तो M/8 ले लेना है। अब ये चीज़ें यहाँ पे पुट कर दो तो जी बराबर, ये जी तो जी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो एक नियतांक है, नियतांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एम की जगह आपको क्या लेना है, M/8, ठीक है। और आर की जगह आपको क्या ले लेना है, आर की जगह क्या लेना है, R/2, R/2 का क्या कर देना है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, GM/8 वे R²/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 से कितने कितने बार कट गया, ये 2 बार, तो ये आ जाएगा GM/R² और यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो इस तरीके से आ जाएगा, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, तो G बराबर आ जाएगा GM/8/R²/4, 4 से ये 2 बार कट गया तो GM/2/R², ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, GM/2R², ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जी जो है वो क्या हो जाएगा 1/2, या इसको आप देखो पहले अपन मान लेते हैं कि जी बराबर क्या था अपने पास, GM/R², और अब अपन जो ज्ञात करेंगे वो जी डेस ज्ञात कर लो, आप क्या ज्ञात कर लोगे इसमें, जी डेस, ये जी मान लो, इसको जी डेस मान लो, ठीक है। तो ये जी जो था ना वो क्या हो जाएगा, 1/2, जी डेस जो है ना वो क्या हो जाएगा 1/g, तो आधा हो जाएगा। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपन अगर पृथ्वी का व्यास आधा कर दें, द्रव्यमान 1/8 कर दें, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण आधा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो है इस क्वेश्चन से याद रखना है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन थे दोनों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि ये ज्वार भाटा क्यों आता है, ये क्वेश्चन दे रखा है बुक में, एक क्वेश्चन दे रखा है कि समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है, तो ज्वार भाटा इसलिए आता है भाई जब चंद्रमा और सूर्य जो है एक सिद्ध में आ जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सिद्ध में आ जाते हैं, तो उससे जो है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का जो पानी ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये क्या होता है, ज्वार भाटा। ऊपर उठना मतलब ज्वार और नीचे गिरना मतलब भाटा, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, तो ये ज्वार भाटा उस वजह से आता है, ठीक है। एक व्यक्ति चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका क्या कारण है भाई, चंद्रमा पर आपको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी से 1/6 होता है, यानी वहाँ पे भार भी क्या होगा, 1/6 होगा, इसलिए अपन जो है आसानी से छलांग ज़्यादा लगा पाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कूद पाएंगे। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उस वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार ज्ञात करना है, एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है,
कि वस्तु का द्रव्यमान m दे रखा है आपको कितना, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ठीक है। तो भार आपको पता है भार बराबर w बराबर एम जी, अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है। तो m कितना है, 10 दे रखा है, g का मान कितना होता है 9.8, तो आपको इसको गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 98 किलोग्राम, ठीक है। तो इसको इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं, भार हो जाएगा न्यूटन में आएगा भाई, सॉरी, ठीक है, न्यूटन में आएगा इसका मान, तो 98 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई। एक केपलर, केपलर था, उसने नियम दिए थे, ठीक है। उसके नियम जो है अपनी बुक में तो नहीं दे रखे हैं, बुक में नहीं दे रखे हैं केपलर के नियम, तो अभी नहीं पढ़ने इनको आपको, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर 10 जो है अपना कंप्लीट होता है बच्चों। आप और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और इसको अच्छे से आपको जो है अच्छे से रीड करना है, तैयारी कर लेना है इसको अच्छे से। और जो अगला चैप्टर जो अपन बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स के 2 चैप्टर हो गए अपने, केमिस्ट्री हो गई अपनी, और अब अपन जो है बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तैयार हो जाए, बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।